नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार के दिशा निर्देश में एक साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। ये साइकिल यात्रा कई जिलों से होते हुए हरदोई पहुंची, जिसके बाद साइकिल यात्रा में मौजूद प्रतियोगिता ने लोगों का खाद्य पदार्थों के सेवन के प्रति जागरूक किया और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को जागरूक करते हुए कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट ना करें, क्योंकि खाद्य पदार्थों में मिलावट से लोगों को गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है, जिस कारण लोगों की जान भी चली जाती है। खाद्य सुरक्षा अभियान में साइकिल यात्रा के साथ हरदोई पहुंची सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त राशि पांडे ने बताया कि यह साइकिल यात्रा लोगों को खाने पीने के प्रति जागरूक कर रही है, ताकि लोग अपना खान पान सुधारे तथा गंभीर बीमारियों से बचे। यहां रैली अगरतला से दिल्ली जा रही है। इस बीच में जितने भी जिले पड़ेंगे, उन जिलों में जाकर यह यात्रा सभी को जागरूकता का संदेश देगी। इस रैली का उद्देश्य है, एक्चुअली महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये स्वस्थ भारत यात्रा रैली का आयोजन किया जा रहा है, संपूर्ण भारतवर्ष में किया जा रहा है। आप तो सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं, संपूर्ण विचार है, पूरी शैली है। एक्चुअली उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों से उसको, एक छोटी छोटी चीज़ों को जन आंदोलन का रूप देके उस अपने हर लक्ष्य को प्राप्त किया। तो इसी तरह से जैसे कि स्वच्छ भारत एक आंदोलन चल रहा है, ठीक उसी तर्ज पर केंद्र सरकार ने स्वस्थ भारत को चलाया है। इस स्वस्थ भारत का जो मेन उद्देश्य है कि नमक, चीनी, तेल, ये तीनों चीज़ें एक्चुअली स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं, तो इनको थोड़ा कम करते हुए अपने उद्देश्यों को हम पूर्ण करेंगे, स्वस्थ भारत की तरफ ले जाने, क्योंकि स्वस्थ देश हमारा, जब देश स्वस्थ होगा तब हम अपने देश को आगे ले जा पाएंगे, क्योंकि विश्व विजेता बनने की जो हमारी अपनी परिकल्पना चल रही है कि भारत संपूर्ण विश्व का गुरु बनना चाहता है, तो स्वस्थ शरीर में जैसे स्वस्थ मन मस्तिष्क वास करता है, तो शरीर को स्वस्थ रखने की है पूरी महात्मा गांधी के विचार को लेके जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है, ताकि हम जगह जगह पर लोगों को जागरूक करके अपने इस लक्ष्य को हासिल कर सकें। हमारा ये उद्देश्य है कि जिससे हम लोगों को जागरूक कर सकें कि मतलब जो खान पीन पे अच्छा, मतलब ये तेल, नमक, चीनी, ये सब मतलब कम खाएं, और जितना मतलब गुटखा पानी ये सब बंद करें, जो मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कहाँ से रैली निकली, कहाँ जाएगी? ये संडीला से हरदोई, मतलब आई से पीछे से, मगर संडीला, हम लोग संडीला से और ये दिल्ली तक जाएगी और हरदोई तक आएंगे। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।